सभी कार्यकर्ताओं को दोनों संगठन के बधाई देता हूँ कि उनने पूरी मेहनत लगन के साथ कार्य किया और आज उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते। और खुशी की बात है कि और ऐसे साथी भी जो चुनाव जीते हैं उनने भी फिर ये फैसला लिया है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर सरकार को और मजबूत करके निकायों में रहेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, निर्दलीय उम्मीदवार भी ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है, 19 के करीब, कितनों ने आपसे मुलाकात की है? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोगों के साथ चर्चा भी चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम जितने विनर्स हैं वो गठबंधन के साथ जुड़ के आगे चले। राष्ट्रपति के चुनाव में सर 18 को अभी चर्चा हुई है विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि NDA के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको NDA का संयुक्त उम्मीदवार बना है, उनका समर्थन करें और आज उसी लिए हम सब JJP के विधायक इकट्ठे हुए थे और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर NDA पूरा समर्थन। निकाय चुनाव की जीत को लेकर सर बड़े मैसेज और ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री द्वारा और अमित शाह जी द्वारा दिया गया, उसमें NDA को जीत की एक तरह से बधाई दी गई, ये बड़ा मैसेज है कि केंद्रीय आलाकमान तक ये मैसेज आपकी निकाय चुनाव की जीत का गया है? मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, तमाम केंद्र के सीनियर लोगों का जिनने JJP BJP की जो ये जीत निकाय चुनाव में हुई है इसको एक रिकॉर्ड माना है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश में डायरेक्ट चेयरमैनी का इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्शन हुआ होगा इकट्ठा, और उसके अंदर इतने बड़ी मात्रा में जब लोग संगठन के जीते हैं, गठबंधन के जीते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। सर, खिलाड़ियों ने आपका धन्यवाद भी किया है, कह रहा हूँ ओलंपियन के लिए तो खासतौर से आपने अवार्ड को लेकर के आपने अभी मेरे को भीम अवार्डीज जिनको आज सम्मानित सरकार ने करा मिले थे, और जैसे हमने पीछे भी स्पोर्ट्स के लिए बढ़ चढ़ कर सरकार के तौर पे काम किया और पिछले 2 दशक में भी जो स्पोर्ट्स के ऊपर काम हुआ है, मेरा तो हमेशा प्रयास रहता है कि इन खिलाड़ियों को और जितना मदद कर पाए करें। कई उनकी ऐसी समस्या भी थी जो अभी तक प्रोलॉन्ग हो रही है, पेंडिंग है, मैं पर्सनली उसको भी टेकअप करूँगा कि आने वाले समय में इसको ऑटो मोड पर हम लेकर आए कि ऑटोमेटिकली खिलाड़ियों को जो उनका अवार्ड रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो टाइम बाउंड तरीके से हम निर्दलीय धन्यवाद करने आए हैं। इस वक्त कांग्रेस की जो स्थिति बनी है, राज्यसभा पहला कदम था, निकाय दूसरा कदम है और आगे आगे जैसे जैसे चुनाव आएंगे कांग्रेस को हरियाणा से हम साफ करने का काम करेंगे। और मैं फैक्चुअली बता सकता हूँ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक थे, एक आधी सीट तो कोई जीते होंगे चेयरमैन, पूरे हरियाणा के अंदर इनकी जितनी सीनियर लीडरशिप ने जोर लगाया उनको जनता ने नकारा, जितना इनके विधायकों ने जोर लगाया उनको कांग्रेस के तौर पर जनता ने नकारा और रिजल्ट गठबंधन के पक्ष में दिया। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना गढ़ रोहतक सोनीपत झज्जर बताते हैं, उसके अंदर 4 सीटों में चुनाव था, महम, झज्जर, बहादुरगढ़ और गुहाड़ी, चारों साफ, राय और गन्नौर साफ। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने कैथल नरवाणा में पूरा जोर लगाया, महाबीर गुप्ता जी जो हमारे जींद से कैंडिडेट थे उनकी बिटिया को हमने संयुक्त तौर पर कैथल से खड़ा किया, वो जीती, नरवाणा के अंदर रिजल्ट आया। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, चाहे आप भिवानी की कर लीजिए, चाहे आप नारनौल की कर लीजिए, चाहे आप दादरी की कर लीजिए, जहाँ जहाँ इन लोगों ने अपना जोर दिखाने का काम किया जनता ने इनको नकार कर गठबंधन को मजबूती दी। इनेलो भी रिवाइवल की तरह से कहीं ना कहीं ले रही है। गिनवा सदन तो रिवाइवल शब्द होता है कि जब आप बड़ी मात्रा में जीत के आते हैं। मैं तो आपसे पूछना था, समर्थित हैं एक खुद चीज, मुझे तीनों के शब्द तो सुनाओ कि समर्थित है, आज मैं आपको समर्थन दे दूँ और कल साथ ना खड़ा हूँ वो जीत तो नहीं होती। हाँ, एक जीता है डवाली और उसके अंदर भी कई ऐसी चीजें रही थी जिस पे अब चर्चा और मंथन करने का समय नहीं है। हमारा वोट शेयर जिन जिन सीटों पे हम लड़े 8 में, वहाँ अगर मैं विधानसभा में हमारे कैंडिडेट्स को वोट मिले थे उससे आज कंपेयर करूँ तो हमारा वोट शेयर बड़ा है। हमारे लगभग 17-18% वोट शेयरों में आए थे, इन निकायों के अंदर कार्यकर्ताओं की मेहनत से वो वोट शेयर 25% टच किया और हमारा जो टारगेट था हमने अचीव किया।
विपक्ष आप पे भी निशाना साध रहा है कि उचाणा नरवाना हार गए। उचाणा शहर में मेरे इतने कभी वोट नहीं आए जितने हमारे उम्मीदवार के, और अच्छी चीज है जो जीतता है वो भी हमारे से जुड़ा हुआ रहा है, और जो चौथे पे आया वो भी हमारे से जुड़ा रहा है। जब 1-3 था उसके अंदर भी हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो मुझे लगता है हाँ बिल्कुल कुछ कमी पेशी रही है, उसको सुधारें। कुछ निर्दलीय जो जीत के आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आज आपने कुछ बधाई भी दी, कुछ और लोग भी हैं जो अब इस विचारधारा, बिल्कुल अभी मिलते रहेंगे, अभी तो लोगों की सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुई।